हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। हम 10 सेकंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स उनमें आते हैं, तो ये क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है आपका कि कैलकुलेट करना आपसे पूछ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल है, टोटल आपको आइसोमर्स कितने होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, ठीक है। तो उनमें हम डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेंट का भी और बाइडेंटेंट, टू दोनों टाइप ऑफ लिगेंट्स में हम डिस्कस करेंगे आपका, से ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, आपका स्क्वायर प्लेनर, ऑल एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड हम आल्सो स्टार्ट ए सीरीज जिसमें हम जर्नल आपका केमिस्ट्री, जैसे लाइक ऑर्गेनिक में हम जीओसी को स्टार्ट करेंगे, तो वन डे वन वीडियोज़ होएगी आपकी बेसिक पार्ट्स लाइक जीओसी ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक में हम जैसे केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड एक वीडियोज़ होगी आपके शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम कम टाइम में सोल्व कर पाएँ उनके ट्राई करेंगे, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई विल मेक ए वीडियो बिकॉज आई हैव लेस टाइम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जैसे टोटल आइसोमर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या ट्रिक है। सिंपल हम जैसे एग्जाम्पल से ही आपको समझाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे ये है, इसे दे दिया आपका ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, कॉपर H2O6 पॉजिटिव, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, मींस आपको जर्नल ये लिखता हो आपका मेटल, यहाँ पे आप मान लो लिगेंट है ये H2 है आपका और 6 है आपका, मींस ऑक्टाइडल है। मेटल की जगह कॉपर कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है आपका, निकल हो सकता है, लिगेंट्स भी कुछ हो, इस टाइप का आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स मिले उसमें आपसे पूछ लें कि आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है, ओरिएंटेशन देख लो। अब एल की, अब इसमें देखो, अब इसको मान लो MA6। अब आपको देखनी है कि कितने टाइप ऑफ वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ए है तो इसको ए सेम टाइम स्केल लिगेंट है, कितने हो गए 1। अब अनदर ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, मींस अरेंजमेंट नहीं हो सकती, तो दैट मींस इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली कितने हैं, 1 ही पॉसिबल है। तो आपको क्या चेक करनी होती है, पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी है। अगर एक ही है, अगर हम जैसे दूसरा एग्जांपल से लेते हैं, आपको पहले हम ज्योमेट्रिकल को देखेंगे, देन हम देखेंगे ऑप्टिकल और टोटल आइसोमर्स को, तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। सेकंड आप एग्जांपल्स लो, जैसे है मेटल्स, यहाँ पे H2O4Cl2, मेटल कुछ भी हो सकती है, जैसे मेटल हमने मान लिया आपका आयरन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मान लो इसको जर्नल क्या हो गए MA4 और ये मान लो B है आपका 2, इस टाइप का है, तो इसमें आपका देखोगे कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है, कितनी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं सिंपल। तो A4B2 का देखो वे कितने हैं, खुद से करके देखना आप, जैसे आपका एक हो सकता है AA, आपका AB मींस 4 आपका A हो गए और B आपके 2 हो गए, एक तो वे ये हो सकता है, या सेकेंड वे ये भी हो सकता है कि हम AA को 2 टाइम्स ले लें, ठीक है, और ये कर लें हम BB को। अब अनदर देखो आप, नहीं हो सकती, ओनली 2 ही पॉसिबल है, तो मींस इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे आपके, 2 होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल कैसे कैलकुलेट करो, टोटल कुछ भी नहीं होता आपको, सिंपल कोई भी कॉम्प्लेक्स हो आपको अरेंजमेंट्स देखो, जितनी टाइप्स की आपकी बन सकती है उतने ही आपके ज्योमेट्रिकल होंगे, ऐसे करके देख लोगे आप, सिंपल है ये मोनोडेंडेंट लिगेंट। बाई में अलग होता है आपका, वो भी हम देखेंगे। जैसे हम अनदर एग्जांपल्स देख लो, आपका कोई है आयरन, जैसे आप मान लो H2O3Cl2Br, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो कि कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन आपसे बन रही है। तो यहाँ पे कैसी है ये अरेंजमेंट, MA3B2 और C है, ठीक है। तो अब इसके अरेंजमेंट देखो क्या क्या हो सकती है, तो एक तो ये हो सकती है कि हम AA सेम टाइप के ले लें और B आपके 2 हैं, या आप AB BC बन सकता है आपका। अनदर हम क्या कर सकते हैं, या एक ये भी हो सकता है आपका AB को एक साथ ले लें हम, तो AB AB और क्या बस गया आपका AC, एक ये भी हो सकती है, एक ये भी हो सकता है कि B को आप 2 टाइम साथ में ले लो, तो आप AA और BB और आप AC भी ले सकते हो, तो ये 3 टाइप की होगी ओरिएंटेशन, तो दैट मींस इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितनी होगी, 3। आप इसे देख लेना ट्राई, और नहीं बनेंगे आपके अरेंजमेंट सेम, तो भी जो डिफरेंट होगी ना वही ले लिए हम, इतने टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो मींस इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही जैसे हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं, इसको आपको कमेंट करना है कितने बनेंगे, जैसे कॉपर है आपका H2O2NH3CL2, इसको आपको कमेंट करना है, जिनको समझ आएगा वो करके बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। सिंपल आपको इसको लिखो MA2B2C2, अरेंजमेंट्स देखो आपको कितने टाइप से कर सकते हो, जितने होंगे उतनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये तो सिंपल सा वे है ज्योमेट्रिकल को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑप्टिकल और टोटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप 10 सेकंड्स में भी देख सकते हो, इसको अरेंज करना है आपको सिंपल, जितने होंगे उतने टाइप से आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे,
आप कोई भी एग्जांपल्स उठा लेना, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें आप ट्राई करना इस वे से और कैलकुलेट करके देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपका है आयरन, यहीं ले लो, जैसे आयरन H2O थ्राइस ClBr, या अनदर ले लो सकते हैं हम, इसमें भी कोई नहीं है, ये ले लो आप Fe H2O थ्राइस ले लिया हमने ClBr और NH3, किस टाइप का लिगेंड होगा आपका, MA3BC और D, चार टाइप के लिगेंड्स हैं, ठीक है। अब पहले तो आप इसकी देखोगे कितने आपके वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले हम कह सकते जैसे AA और आपके A2 यूज़ हो गए, एक ए बच गया, तो ये हो सकता है आपका AB और CD आपका अलग है, एक ये अरेंजमेंट, या आप A को B के साथ भी ले सकते हो, तो AB A को C के साथ ले लो, A को D के साथ ले लो, 3A हमारे यूज हो गए। सेकेंड हम कर सकते हैं कि A को 2 times ले लें, A को आपका C के साथ यूज़ कर लो और B के साथ में, तो ऐसे भी हो सकता है आपका AA AC और BD, ये भी हो सकता है। एंड अदर देखो आप क्या हो सकता है कि A को आपको A के साथ यूज़ कर लिया हमने 2 times, फिर A को आप D के साथ यूज़ कर लो एंड B को C के साथ यूज़ कर लो, तो एक ये भी बन सकता है आपका AA AD और BC, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो मींस ये कितने हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, हो गए 4। अब आपको कैलकुलेट करना हो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, देन हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए आपको क्या देखनी है, इसके लिए शॉर्ट भी है, अगर इस टाइप की अरेंजमेंट है आपकी AA है आपका, BB है या C, मींस सेम टाइप के हों, या आपका ऐसे हों जैसे BC है आपका, BC सेम टाइप के अरेंजमेंट हो, AC AC, अगर इस टाइप से अरेंजमेंट दे रखी हो, ऐसे रिपीट हो रखे हों अरेंजमेंट्स में, तब जैसे मान लें आपका AA है और AA और होता देन AC है, तो 2 अगर रिपीट हो रहे हों या ऐसे हों आपके सेम टाइप के, तो उन वो क्या होंगे आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं शो करेंगे। तो आपको अरेंजमेंट्स तो आपको पता चल गई ज्योमेट्रिकल से, तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए अगर मान लो आपको इसी को कैलकुलेट करना है, तो इसमें पहले हम देखेंगे, यहाँ देखो AA AB CD, मीन्स आपका सेम टाइप का आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। AB AC AD सारे डिफरेंट्स हैं, दैट मीन्स ये है ऑप्टिकल आपका एक्टिव, जो डिफरेंट हो गए वहीं सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, यहाँ पे सेम टाइप आपका दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी सेम टाइप का ये इनएक्टिव, तो ओनली वन ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है। ये आपको पता है कि वन ऑप्टिकल होगा अगर है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वन ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स क्या है आपको, वन डेक्स्ट्रो टाइप का और लियो टाइप का, तो डी और एल 2 type के होते हैं, तो मीन्स कितने हो गए आपके ऑप्टिकल आइसोमर हो गए आपके 2, मीन्स 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने अगर मान लो 2 होते तो 4 times हो जाते, क्योंकि मीन्स 1 में आपके 2 होते हैं ना, 2 फॉर्म हो सकती हैं डी और एल फॉर्म, ये हमने कर लिया, इसके हो गए ऑप्टिकल एक्टिव 2। अब आपको बताया कि टोटल आइसोमर के लिए क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव प्लस में ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ऑप्टिकल एक्टिव हमने देख लिए 2 हैं और इनएक्टिव कितने हैं 1, 2 and 3, तो दैट मीन्स इसके टोटल कितने हो गए 5। तो हमने ये डिस्कस किया है, अब ये जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए ना ऊपर वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये वाला है जो भी, तो इसमें आपको खुद से कैलकुलेट करके देखना, ज्योमेट्रिकल हमने बता दिया ओरिएंटेशन से देख लिया, देन आप चेक करोगे ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, तो एक्टिव के लिए सिंपल सा चेक करो, अगर रिपीटेशन हो रखी है जैसे AA टाइप का या BB टाइप का सेम टाइप के हैं या रिपीटेशन में है 2 type की अरेंजमेंट्स, तब आपके वो होंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव 1 होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 आपके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेक्स्ट्रो लियो, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, वैसे हम अलग से वीडियोस बनाएंगे उसमें, तो आपको बता देंगे डेक्स्ट्रो रिलेटेड में क्या होता है, लियो में आपका लेफ्ट साइड रोटेशन, उसमें राइट साइड, वो ऑल थिंग्स। इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे देखोगे और ऑप्टिकल और टोटल आइसोमर्स क्या होगे, अलग अलग एग्जांपल्स, ये तो हमने कुछ नंबर्स ऑफ एग्जांपल, आप खुद से ट्राई करके देखना जो भी आप क्वेश्चन पेपर में आए कि आपसे सोल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमने जो पूछा आपका, इसका आप ज्योमेट्रिकल भी बताओगे, ऑप्टिकल भी बताओगे एंड टोटल भी बताओगे, इनके तीनों को आपका कमेंट करना है, सिंपल आपके अरेंजमेंट्स देखोगे, अगर सेम टाइप के हैं आपके अरेंजमेंट्स जैसे ए है बी तो वो आपका इनएक्टिव होगा, जो बच टोटल क्या होता है एक्टिव प्लस इनएक्टिव, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है मोनोडेंटेंट का, अगर बाईडेंटेंट होता उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, दैट मींस जैसे मान लिया आपका Fe है Fe EN थ्राइस है, मतलब MA3 टाइप का होगा, तो इसमें सिंपल अरेंजमेंट्स इसको आपको देखना पड़ेगा, बाईडेंटेंट सही है आपका EN 2 type से आपका जैसे हम, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा आप, ये हमने मोनोडेंडेंट के डिस्कस किए हैं कि ज्योमेट्रिकल हाउ वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एंड टोटल आइसोमर्स, ठीक है। आप ट्राई करना, आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।